Mirabeach, 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 कंटेंट की तलाश में कल मैंने एक चमचमाते लोडू की वीडियो देखी। देखने के बाद मुझे लगा कि भाई ये तो कंटेंट है यार। और फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया, फिर मुझे कुछ वीडियोस ऐसी मिली जिन्हें मिलियन में व्यूज थे। और फिर मेरे अंदर एक भावना उठी कि क्यों ना इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। अब यार देखो, करना कुछ नहीं है, लगाना अपने कानों में षड्यंत्र और एक खोपचे में जाके बैठ जाना है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। ये लोग इतने चूतिए कैसे हो सकता है? किस डर से इनके दिमाग का विकास नहीं होने दिया जा रहा है? मुझे समझ नहीं आता कब बंद होगा ये चूतिया। रियलिटी के बारे में मालूम पड़ेगा, फिर कब आएगा वो दिन? बस अब बंद कर दो यार ये चूतिया। कब तक देशवासियों, इस वक्त देश के हर कस्बे, हर गांव, हर गली और हर मोहल्ले से एक ही आवाज आ रही है, ये बहन जो सारे मिल के हमको पागल बना रहे मादर चोत के बच्चे, इतने गांड फटी के ये बड़े। यार तुम सबको पता है, तुम्हारे पास, मेरे पास, हम जैसे आम इंसानों के पास इतने डायमंड नहीं होते, और ना ही गरी ना हमें डायमंड देता है। पर यार चलो तुम तो ठीक है, तुम्हारा, तुम एक नॉर्मल इंसान हो, पर मैं तो एक यूट्यूबर हूँ ना यार। तुम ये भी कह सकते हो कि मेरे सिर पे दो सींग लगे हुए हैं। तो कल मैं अपने इन्हीं सींगों से हस्त मैथुन करते हुए यूट्यूब पर पहुंच गया और टिप्स एंड ट्रिक वालों को जाकर टिप्स देख रहा था मैं, हाउ टू गेट फ्री डायमंड। तभी अचानक से मेरे सामने कुछ इस टाइप की वीडियोस आ गरीना गिफ्टेड मी 10,000 डायमंड, गरीना गिफ्टेड मी आईफोन प्रो मैक्स, गरीना गिफ्टेड मी लोड़ा लेस। पर तुम में से किसी को ये नहीं बताया गया होगा कि ये तो एक गन चटाई का इनाम है। हाँ, गरीना को खुश करोगे तो इनाम मिलेगा। हाँ, वो तुम्हें शाबाशी भी देगा, तुम्हारे ऊपर नोट भी उड़ाएगा, जैसे पुराने जमाने में लोग छमिया होकर उड़ाया करते थे। भड़वे बल्ले, तुम इन यूट्यूबर्स का दुश्मन हो, तुम इनका रियलिटी पब्लिक कर देती। अब ये लोग गरीना पार्टनर प्रोग्राम में जाती है और तुम्हारे शिकायत करती, फिर वो हमारे पास आती और हमको धमकी देती, तुम हमारा पार्टनर प्रोग्राम वाले को कुछ बोलती तो हम तुम्हारे ऊपर एक्शन लेती, तुम पे स्ट्राइक मार देती। जरूरी नहीं होती कि वो कैसा होती, वो हमारा कुत्ता होती तो अच्छा होती। और जो जो हमारे पार्टनर प्रोग्राम में होती उनके गांड पे हम क्लिकबेट वाला लंड देके उनको क्लिकबेट करने के लिए खुला छोड़ दिया होती, पर फिर भी स्काईलॉर्ड तुमने ये बात पब्लिक को बताया होती, अब हम तुमको स्ट्राइक मार देना होती। पर कभी कभी कुछ जोकर मैं ऐसे देख लेता हूँ जिनको देखने के बाद मेरी हंसी बंद नहीं होती, और इस बात पर मेरा कॉन्फिडेंस एकदम डबल हो जाता है कि यार यहाँ पर जितने भी यूट्यूबर्स हैं मैक्सिमम टिकटॉकर्स हैं, मतलब ना आंट का ना गांड का ज्ञान छोड़ते हैं ब्रह्मांड का। तुम इन्हीं जनाब से मिलो यार, इनका टाइटल पढ़ो अब जरा ध्यान से, फ्री फायर सेंड मी सरप्राइज गिफ्ट। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम गांड चटाई का इनाम मांग रहे हो या तुम्हें इनाम मिल चुका है? मतलब वीडियो बना के गांड चटाई का इनाम कौन मांगता है भाई? इस प्रकार की न्यूज को देखने के बाद हमारा ब्रह्मांड में जाके फट जाने का मन कर रहा होती, हमको समझ में नहीं आ रहा होती इतना चूतिया कोई कैसे हो सकता है। यार ऐसे अगर तुम देखोगे ना तुमको अनगिनत जोकर मिल जाएंगे फ्री फायर कम्युनिटी में, पर कुछ तो मिलियन से बैठी है, तुम कुछ समझ सकते हो इनकी ऑडियंस कितनी ज्यादा चूतिया है। बहुत मन था कि मुझे फ्री मराठी निष्कार भी मिल जाए, और मैं सर्च कर ही रहा था कि अचानक से मुझे ये वाली वीडियो मिलती है, और फिर क्या था मुझे इसमें भी कंटेंट नजर आ जाता है, क्योंकि हम तो कंटेंट की तलाश में निकले थे ना। यार देखो आंटी, स्ट्राइक पर मरवा देना यार गरीना से, बोल के मुझे पता है तुम्हारी बहुत सेटिंग है, मैं अच्छे से जानता हूँ गरीना, और तुम्हारी बहुत अच्छी घनिष्ठ मित्रता है, और तुम अपने दोस्ती को साबित करने के लिए कभी कभी यूट्यूबर्स को स्ट्राइक मार दिया करते हो। मतलब देख रहे हो आंटी कतई आर्यभट्ट को कॉम्पिटिशन दे रही है। हाउ मेनी डायमंड्स फॉर टाइटेनियम निष्कार, आंटी ने पूरी तरह से एकदम पूरा कैलकुलेट करके बताया, जैसे बाबा सिर का इलाज करने वाले लोग बताते हैं, इलाज नहीं हुआ पैसा वापस। आपने सही कहा, आप लोगों को बनाते हैं, चूतिया बनाते हैं। मेरी तलाश यही नहीं रुकी, फिर मैं सीजन 2 की तलाश में निकल पड़ा। यार कुछ बच्चे तो आके मेरे स्ट्रीम पे स्पैम करने लगे, भाई यार सीजन 2 का लाइट पास बट रहा है यार, तुम गए नहीं वहाँ पे लाइन पे लगने। फिर एक बार को मेरा भी दिमाग चकराया, भाई सीजन 2 लाइट पास की हुए कहाँ चल रहा है भाई, कहाँ फ्री में सीजन 2 लाइट बटा जा रहा है। और फिर मुझे मिलता है ये सब, और मेरे दिमाग में एक बहुत ही चमत्कारी ख्याल उत्पन्न होता है, मतलब उस अंधेरी अमावस्या की रात को अगर इनके बाप हिला के सो गया होता तो आज शायद ये चूतिया पैदा ना होता। अभी तो मेरे को लगता है यार कि उस रात भी कोई आगे क्लिकबेट करके गया था इनके बाप के साथ, उसकी रात में गांड मरवाइए और पाइए एक बच्चे पे एक बच्चा फ्री, और उसी बात का बदला इनके ये उड़ते हुए तीर हमसे ले रहे हैं। पर ये वाला चमन चूतिया मुझे बहुत अनोखा, मतलब एडवांस सर्वर का सही इस्तेमाल करना कोई इनसे सीखे। बेटी चोद प्रमोशनल वीडियो में भी लाइव हैक चला दिया लौंडे ने। यार गरीना वाले एकदम सही बात बता रहा हूँ तुमको मैं। अगर मान के चलो 2 मिनट को फ्री फायर मेरी गेम होती है तो भाई जो ये बकचोदी कर रहे हैं ना इनकी मैं गांड मार लिया होता। तुमको पता है एक बात, एडवांस सर्वर अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है कुछ दिन पहले ही, और इन भुसड़ी वालों को मिलता है प्रमोशन करने के लिए, बेटी चोद उसमें हैक दिखाते हैं, मतलब जो डिजर्विंग लोग हैं वो रो रहे हैं भुसड़ी के बैठ के, और इन कुत्तों को अगर घी मिल रहा है तो इन कुत्तों से वो घी हजम ही नहीं हो रहा है। और किसी महापुरुष ने एकदम सत्य कहावत कही थी, कुत्तों का भी घी हजम नहीं होता। और मैं तो कहता हूँ ऐसा कोई चूतिया पकड़ रहे ना उसकी गांड मार लो भाई, गेम के खिलाफ है सब, मतलब जहाँ पर हैकर नहीं है ना वहाँ बिना मतलब हैकर उत्पन्न किया जाता है। लेकिन ठीक है भोसड़ी के एटलीस्ट एडवांस सर्वर तो छोड़ दो। दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है, उठा ले रे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे इन दोनों को उठा ले। ओ माय गॉड डीजे आलोक इन गोल्ड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या होगा अब तो तूफान आ जाएगा भाई, डीजे आलोक इन गोल्ड भाई कितनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है ये तो, एकदम सनसनी मच गई भाई फ्री फायर में, एकदम 9-9 मिलियन 10-10 मिलियन व्यूज आ रहे हैं भाई, यार डीजे आलोक एकदम गोल्ड में आ गया भाई, जय करीना जय करीना, जल्दी चलो भाई, चलो भाई चलो डीजे आलोक लेने चलना भाई, जल्दी चलो भाई, जल्दी गाड़ी निकालो भाई।
अब इस टाइप के वीडियो नई डायमंड मिला तो मैं दूंगा, जल्दी से देख लो वरना क्या पता वीडियो डिलीट हो जाए। फ्री डायमंड एक का डबल लक्ष्मी चिट एंड फंड स्कीम, एक बार को भेंचो विजय माल्या भी शर्मा जाता होगा भाई, पर ये लोग तो हद कर दे। तो भाई देखो मैं तो यही कहूंगा इस टाइप की स्कीम से थोड़ा दूर रहा करो, बिकॉज इसमें जो दिखाते हैं वो सब क्लिकबेट होता है और इस बात के पूरे पूरे चांसेस है कि तुम अच्छे से एकदम मोटा वाला चूतिया कटवा बैठोगे अपना किसी दिन। और फ्री फायर में कभी भी फ्री में डायमंड नहीं मिलते, कोई रिश्तेदार नहीं तुम्हारे गिरना फ्री फायर से कि भाई तुमको फ्री डायमंड देगा, वो सिर्फ दो तीन लोगों को ही फ्री डायमंड देता है, या तो उनको जिनसे वो प्रमोशन करवाते हैं गेम का, या तो फिर उनको जो उनके पार्टनर या फिर वो अपने एम्प्लॉइज, बाकी गरीना को लंड फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो तुम क्या हो, तुमको फ्री डायमंड कभी नहीं मिलेंगे और ना ही कोई ऐसी कोई स्कीम चल रही है गरीना। यार बहुत सारे लोग बोलते हैं रोड़ा लहसुन टॉप अप साइट है, यहाँ पर जाओ टॉप अप करो और तुम्हारे को डबल डायमंड मिलेंगे, तो ऐसे गलती से मैं जाया करो भाई। डबल डायमंड तुम्हारे चाचा की कंपनी थोड़ी ना कि भाई तुम बोलोगे हेलो चाचा फ्री में डायमंड चाहिए डबल डायमंड चाहिए मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। डायमंड खरीदने के अभी तक मात्र तीन ही तरीके इजाद हुए, पहला तुम्हारा गूगल प्ले स्टोर, दूसरा तुम्हारा कोडा शॉप, तीसरा तुम्हारा गेम खरीदो डॉट इन, और इसके अलावा जितने तरीके बाकी उन पर मैं विश्वास नहीं करता हूं। मैं तो कहता हूं तुम भी विश्वास ना करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नजर हटी तो गांड फटी, थोड़ी सी नजर हटती है तुम्हारी गांड फट सकती है, तुम्हारा अकाउंट की लोड लग सकती है, तुम्हारी डिवाइस बैन हो सकती है, आईडी बैन हो सकती है, तुम्हारा पैसा कट सकता है। तो हमेशा सावधान रहो, सतर्क रहो और इन भोसड़ी वालों से बचो भाई, क्योंकि भरोसे वाले भोसड़ वाले निकलते हैं क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। गरीना वालों तुम सीजन 2 लाइट पास गिव अवे कर रहे, तुमने बताया नहीं और तुमने ये बात ही मुझसे छुपाई कि तुम FFCS इवेंट में फ्री में जर्सियां बांट रहे हो, फ्री में तुमने मैजिक क्यूब बांटे लोगों को और हमको नहीं दिया, फ्री में कस्टम रूम कार्ड फलाना ढिमका रोड़ा लहसुन ड्रेस बांटी तुमने पर हमको नहीं दी तुमने ड्रेस, अरे ज़ॉम्बी समुराई बांटा तुमने फ्री में मैंने सुना, अरे यार ऐसा तुमने क्यों किया यार हमको नहीं बताया तुमने। यार वो सब ठीक है यार पर मेरे को सीजन 2 चाहिए यार, मेरे गर्लफ्रेंड को अपने गिफ्ट देना है, बहुत दिन से मांग रही थी और तुम बताते नहीं हो यार, मैं तुम सीजन 2 के लाइट पास गिव अवे कर देते हो FFCS इवेंट में और हमको बताते नहीं हो, चीटिंग करते हो। और स्क्रीनशॉट में तुम्हारे पाटा प्रोग्राम के एक पिल्ले का जिसके चैनल का नाम कुछ जैसे रोड़ा लहसुन इसकी कुछ भी ऐसा कुछ नाम रखा था उसके चैनल का, स्कैम करना कोई गरीना से सीखा है पूछो कैसे। एक तरफ तो ये लोग रेयर बंडल के नाम पे बहुत सारे डायमंड हमारे खर्चा करवा लेते हैं, इंक्यूबेटर में डायमंड खर्चा करो, लौड़ा लहसुन में डायमंड खर्चा करो, और फिर कुछ दिन बाद उन रेयर आइटम्स को वो लोग स्टोर में ला देते हैं या फिर किसी इवेंट में ले जाकर फेंक देते हैं। तुमको भोसड़ी वालों रेयर का मतलब नहीं पता है क्या? ये स्क्रीनशॉट मुझे इनके पाटा प्रोग्राम किसी कुत्ते के चैनल से मिला है और इनमें भोसड़ी वालों का क्लियर कहना है कि क्लाउन वाला बंडल वापस से आने वाला है। यार फिर अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो यार, सीजन 2 भी लाई दो अब लगे हाथ स्टोर में, बचाई क्या है फिर? या तो यहाँ पे गरीना गलत है या फिर इनके पाटा प्रोग्राम के कुत्ते गलत। और गरीना वाले एक बात को हमेशा याद रखना, अपनी किस्मत अपने हाथ में। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। A few moments later. Okay, bye. ये बात आपको समझ में आ गई होगी कैसे ये लोग आपको चूतिया बनाते हैं। गरीना कभी भी किसी को फ्री डायमंड नहीं देती है, सिर्फ अपने पार्टनर प्रोग्राम के पिल्लों को डायमंड देती है। और रही बात एडवांस सर्वर की, तो यार बहुत महीनों से मैं इनसे एडवांस सर्वर मांग रहा हूं, पर ये लोगों ने आज तक मुझे एडवांस सर्वर का एक्सेस नहीं दिया। ना जाने क्या ही थिंकिंग लेके अपने दिमाग में चलता है कि भाई स्काईलॉर्ड एडवांस सर्वर लेके उसे पटाखा फोड़ देगा, भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता यार, सीरियसली बता रहा हूं। अगर गरीना वालों का ये कहना कि भाई उनके लिए सारे क्रिएटर एक समान है तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम खुद देख सकते हो, एग्जांपल मैंने सामने दे दिया। और यहां पर कोई भी किसी भी क्रिएटर को हेट नहीं देगा इसके लिए, ये सिर्फ एक फन पर्पस के लिए बनाई गई थी लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि वो लोग किसी फेक वेबसाइट जाकर टॉप अप ना करें। मैंने बहुत लोगों को यह कहते हुए सुना है कि भाई इस लिंक पे क्लिक करो, यहाँ जाकर डायमंड टॉप करो, तुमको डबल डायमंड मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो पहले हुआ करता था गरीना सेल्स में, वो वन टाइम फर्स्ट टाइम टॉप अप पर डायमंड डबल दिया करते थे, पर अब वो लोग नहीं देते। एक बात समझ याद रखना, फ्री फायर कम्युनिटी के जो चमचमाते उड़ते हुए सितारे हैं ना भाई, एकदम लोड़ू और इनका किस्मत गधे का लंड से लिखा, और आने वाली पीढ़ी इनको लोड़ा नहीं पूछेगी, कोई भाव तक नहीं देगा इन भोसड़ी वालों को। अरे यार देखो मेरा इंस्टाग्राम भी, मैं तुम्हें गिवे तो नहीं दे सकता कि भाई जाओ वहाँ पे लोड़ा लहसुन गिवे होगा, तुमको वहाँ पे फॉलो कर देना बस, ये कर देना वो कर देना, ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर भी अगर तुम्हें चटपटी चीजें देखने में मजा आता है, कुछ मजेदार चीजें जो पहले अपडेट मिल जाएगी आपको, कल के वीडियो आने वाली है लोड़ा लहसुन की चीजें दुनिया भर की बातें, तो जाओ सीधे शब्दों में जाके इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लो। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने डिस्कॉर्ड लिंक भी दे रखी है, मन करे तो वहाँ भी चले जाना। और अगर आप ट्विटर पर हो तो भाई आओ ना, ट्विटर पर भी बकचोदी करते हैं, ट्विटर भी खोल रखा है हम लोगों ने। और कुछ लोग बोलते हैं भाई तुम लाइव स्ट्रीम नहीं करते हो, तुम लोग कहाँ सोते रहते हो, मैंने अपना सेकंड चैनल बना रखा है, वहाँ मैं रोज डेली स्ट्रीम करता हूँ, जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो यार, वहां भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। और अगर आपको असली वाली बकचोदी देखनी है तो भाई ट्विटर पे जरूर जाना एक बार, और एक बार जो भी होता है करके आ। और यार जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, बता रहा हूं तेरे घर पे जेसीबी चलवा दूंगा भोसड़ी के। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।